धमाकेदार एक्शन से जुड़े रहने के लिए डिशम फिल्म्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हाँ तुम अरेंज कर लो, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं पहुंच के कॉल करूंगा। एक घंटा देरी से चल रही है। आपको पता है मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं और आप मुझे जाने नहीं दे रहे? I miss you so much. मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। देखिए हमें माफ कीजिए लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आ रही है। मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। तो क्या मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार करती रहूँ? न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन जाने वाली फ्लाइट 2 घंटे के लिए लेट। हाँ जाने मन चलते हैं। कुछ भी करो मुझे यहाँ से जाना है बस। एक फोन तो करना चाहिए था। बचाओ!
वहाँ क्या हुआ था? आज सुबह से वहाँ पे गड़बड़ी हो रही है मिस्टर प्रेसिडेंट, और अभी तक बनी हुई है। जनरल मॉर्निंग से जल्दी कांटेक्ट करो। मैंने उनसे अभी भी बात की है सर, 75th रेंजर रेजिमेंट से मैंने उनका बुलाया है, और साथ में 24 एसटीएस भी हैं। 75th रेजिमेंट से हमारा संपर्क टूट गया। ऑल यूनिट्स, मैं चाहता हूँ कि बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद होने चाहिए, कोई भी बाहर न जाने पाए। इसका मतलब सारी सुरंगें, सारे रास्ते, आसमानी रास्ता और जेटवे भी। मेजर हॉफमैन सर, वहाँ पर जेएफके का हमला हुआ है। रासायनिक प्रक्रिया क्या है? देखिए, इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता सर, आर्मी के जवानों को भेजा जा रहा है। लेकिन सुनिए सर, जो मिला है उसका आपको यकीन नहीं होगा। बाहर एक चौपर खड़ा है आपको न्यूयॉर्क ले जाने के लिए। ओके, तुम भीड़भाड़ होने से पहले यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे जख्मियों की तादाद बढ़ती जा रही है, हमें जल्दी से और मदद चाहिए। वेलकम, कम इन। यस सर। तुम्हें पता नहीं है कि हम किसका सामना कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका कंट्रोल ले लो। तुम्हें कोई जानकारी मिले तो मुझे बता देना। यस सर, नीचे लेके चलो। गैस ने काम कर दिया जनरल। गुड, लड़कों को भेजो। नाम और उम्र? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कसूर क्या है? नाम और उम्र मैम? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नाम क्या है, मुझे भेड़िये ने काटा था। तुम शांत हो जाओगी? मेरी बात सुनो, मेरा नाम डोना वॉड्रेस है, मैं 28 साल की हूँ और मुझे काटा था। मैं जानती हूँ कि सबको काटा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि तुम ये ले लो, इससे तुम्हारी घबराहट कम हो जाएगी। सबको जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। रुक जाओ, रुक जाओ, हिला मत। मेरा क्या कसूर है? छोड़ दो मुझे, रुको, जाने दो, नहीं, रुक जाओ, छोड़ दो, रुक जाओ, बैठो, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप समझ नहीं रही हैं, मुझे यहाँ आने से पहले Oh!
इसको संभल के अंदर ले जाओ। यस सर। जल्दी करो जवानों, हमें काम पूरा करना है। क्या उसे मार दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ये खा लो, अपना बाया हाथ दे दो प्लीज। ये तुम्हारा माइक्रोचिप है, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए लगाया जा रहा है। अंदर जाकर रुको। नेक्स्ट। खड़ी हो जाओ स्वीटहार्ट। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगता मैंने कहा खड़ी हो जाओ। मुझ पे से अपना हाथ हटाओ। रुक जाओ जवान, तुमने मेरी बात सुनी? मैंने कहा रुक जाओ। क्या आप ठीक हैं? चलिए मैं आपको ऐसी जगह लेके चलता हूं जहां आप आराम कर सके। पेशेंट्स के साथ बुरा बर्ताव करने के जुर्म में मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल इतनी जल्दी करवा सकता हूं कि तुम्हारा सर चकरा जाएगा। बात समझ में आई मेरी? यस सर। हमें इन सब लोगों को शांत रखना होगा, इनकी हार्ट बीट अच्छी रहेगी तो सब सुरक्षित रहेंगे। चलिए, थैंक यू जवान। ठीक लग रहा है? ऑलराइट, तुम्हारे लिए जगह मिल गई है, आ जाओ यहां पर आराम करो। आराम से लेट जाओ, आराम से, कोई चिंता की बात नहीं है। ये क्या है? तो तुम भी डॉग लवर हो? मैं थी, मुझे कुछ अलग तरह का महसूस हो रहा है। अच्छा। मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। ओह अच्छा, नई जानकारी है, तुम बहुत ही स्पेशल हो। वेल, चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, हम इस पर जल्दी से काबू कर लेंगे और तुम लोग अपनी अपनी जिंदगियों में जल्दी से वापस लौट जाओगे। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। पहले हमें जानना है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। ओह माय गॉड, पेशेंट जीरो। तुम सही कह रही हो, ये तो पहले ही मुझको एयरपोर्ट पर काटा था। तुम ठीक हो? नाम और उम्र बताइए। अगर तुम चाहो तो मुझे कैदी भी कह सकती हो। सर, हम लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। ग्रेट, तो तुम इसे काट कर इसकी शुरुआत कर सकती हो। हैमेट, कॉल हैमेट 33। अपना हाथ दीजिए मिस्टर हैमिट। तुम ये क्यों कर रही हो है? हम पर जानवरों की तरह प्रयोग करके हम पर नजर रखने वाली हो है? नतीजे के लिए आतुर हो ना?
जनरल मेजर हॉफमैन आपसे मिलने आए हैं। उन्हें भेज दो। गुड मॉर्निंग सर। कब आए हो? थोड़ी देर हुई है। इससे परेशान हो? अब तक यही काम कर रहे थे। मैं समझा नहीं। वो सोच रहे हैं कि जो 2001 एल्पेक्स अटैक था, तुम जैसे साइंटिस्ट भी उसमें शामिल थे। आप सही कह रहे सर, मैंने उसे पकड़ा था। तुमने उस शख्स पर भरोसा किया जिसने पूरी जगह पर जहर फैलाया और वहां लोग मरे। हम वो यहां नहीं होने देंगे, समझ गए? यस सर। मैं जवानों को जान से ज्यादा चाहता हूं, तुम्हें पता है क्यों? जरूरत होती है। आपको अपने लोगों पर पूरा भरोसा होगा। सावधानी पूर्वक संक्रमित लोगों से पेश आना चाहिए, वो लोग उन्हें उकसा सकते हैं। अच्छा, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? क्या? डीएल हाई स्कूल। हमारे डिवीजन की टीम सबसे फिसड्डी थी। हार के बाद कोच ने पीठ थपथपाकर कहा कि अगले साल हम ही जीतेंगे, और अगले साल सच में हम ही लोग जीत गए। वो हमें गालियां देता, और इससे क्या हुआ जानते हो? नो सर। हम स्टेट टाइटल जीत गए। कोच ने हम पर भरोसा किया और हमने कर दिखाया। हम यहाँ फुटबॉल प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं सर। इससे दुर्घटना हो सकती है। 236 लोग हैं और 150 लोग बॉडी बैग में हैं। ये मैं जानता हूँ सर। तुम्हें पता है वो कैसी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं? हाँ, किसी सर, एक ने भी तुम्हें काटा, वो भी तुम्हारे हाथ पर। उसमें उनका खून डाल दिया। तुम्हारी कहानी खत्म। इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर उन्होंने तुम्हारा गला काट दिया तो तुम जगह पर ही खत्म हो जाओगे। मैं यहाँ पर उनसे दोस्ती करने के बाद पछताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारी ड्यूटी है इस देश की और यहाँ के लोगों की रक्षा करना सारी मुसीबतों से। मैं भी यही कहना चाहता हूँ सर। उन्हें जितना शांत रखेंगे हम सबके लिए वही अच्छा होगा। मुझे अपने जवानों को ट्रेन करना होगा जिससे अच्छी तरह सुरक्षा हो सके। यही मेरा काम है। तुम अपने काम पर अच्छी तरह से ध्यान दो। यहाँ कुछ भी प्राइवेट नहीं है। हालात बदल रहे हैं। यस सर, मैं CDC के साथ मिलकर एक खोज कर रहा हूँ ताकि इस पर कोई उपचार मिल सके, और मैं सीधा प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर रहा हूँ। जो करना है करो, लेकिन अपनी सीमा में रहना मेजर। रिलैक्स हॉफमैन, हमें साथ में काम करना है। मुझे अपनी तलाश एयरपोर्ट से शुरू करनी होगी सर। शायद वहां के कैमरों से हमें अच्छे फोटोज और कुछ बेहतर जानकारी मिल जाए। जल्दी जाओ, चलो जल्दी। डॉक्टर, कम इन। किस तरफ गए वो? चलो, हम लोगों को उन पर गोलियां बिल्कुल नहीं चलानी है, क्योंकि वो सब लोग इंसान हैं। वो यही आसपास हैं। ओह माय गॉड, कितना घिनौना। रुक जाओ फैकन, मैंने कहा रुक जाओ। ये भी इंसान ही है, याद है? उस इंसान ने अभी 4 लोगों को मारा है मेजर। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तुम्हें अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। फैल्कन हियर। मुझे बताओ मिला या नहीं। हमने पकड़ लिया है। अच्छा काम किया। उसे यहाँ नीचे लाओ। पहुंच रहा हूं। मिस्टर हैमेट, तुमने मेरे 4 आदमियों को मार दिया। कौन बोल रहा है? मुझे माफ कर दीजिए, मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। मैं जानता हूं, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं समझ सकता हूं। खुद की रक्षा करना, इस धरती पर सब कुछ नैसर्गिक होना चाहिए। हमारा कंप्यूटर हमें यह जानकारी दे रहा है, हम उस पर भरोसा करके इलाज कर रहे हैं। मेरा यह कहना है, हमें बहुत ज्यादा भरोसा है टेक्नोलॉजी के ऊपर। यह इंसानी गलती बहुत ही भयानक हो सकती है सर। मुझे गलत मत समझना फाल्कन, मशीन के लिए सही वक्त और जगह होती है, पर नुकसान का पता हमें दिन खत्म होने के बाद ही चलता है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि तुम अपना देश बचाओ बेटे, इसे अंदर ले जाओ।
क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो देखते हैं कि तुम कितने खतरनाक हो लपड़ झंडुस। इसे जल्दी से इंजेक्शन दे दो। चलो देखते हैं कि ये लोग क्या कर सकते हैं। इसके बारे में एकदम सही था। हम सब लोग बहुत लकी थे, तुमने एक नई मुसीबत देखी है। यह महत्वपूर्ण और विकसित तरीका है जिसका इस्तेमाल हम युद्ध में कर सकते हैं। खत्म कर दो इसे। इनकी थूक के जरिए लोग संक्रमित होते हैं, खून की वजह से नहीं। जिसके अंदर थूक गई है वो तुरंत ही संक्रमित हो जाता है। जैसे ही उसकी हार्टबीट बढ़ जाती है वो लोग बदल जाते हैं, जो भी रास्ते में आए उसे मार देते हैं। इसका कोई इलाज है? हम सब मिलकर इस संक्रमण की प्रतिरोधक दवाइयां ढूंढ रहे हैं ताकि इसका इलाज कर सके। अगर हमें पेशेंट जीरो मिल जाए तो हमें इलाज भी मिल सकता है। एक्सक्यूज मी जनरल, सॉरी डॉक। बोलो मेजर। अकेले में। एक्सक्यूज मी, मैंने कर्नल के ऑफिस के बाहर एक फटी बिखरी लाश देखी। यह उस मिस्टर हेमन का काम था। जिस आदमी को तुमने वहां बचाया था उसने फिर से हमला किया, कार्रवाई करनी पड़ी। इस काम में दो आदमी मारे गए। सर, मैं देखना चाहता हूं कि सर्वेलेंस टेप में क्या है। जरूर मेजर। मैं एयरपोर्ट पर जाकर देखना चाहता हूं, शायद हम लकी हो सकता है हम पेशेंट जीरो को पहचान सकें। एक्सक्यूज मी मेजर हॉफमैन, डॉक्टर एलन गॉर्डन सीडीसी में काम करती हूँ। क्या आप वहाँ जाकर देखेंगे कि वहाँ पर किसी के बर्ताव या तरीके में बदलाव आया हो? उस सिक्योरिटी फुटेज में आपको सारे पैसेंजर्स की जानकारी मिल जाएगी, शायद हमें वहाँ कोई सुराग मिल जाए। कस्टम्स में कोशिश करो, रिपोर्ट्स के हिसाब से वहाँ पर पहला हमला हुआ था। ओके, थैंक यू डॉक्टर, मैं चलता हूँ। तुम्हारे काम से मैं तुम्हें दूर नहीं रख सकता। यस सर। उस पर नजर रखना, हॉफमैन जैसा इंसान। यही देखना है कि हर कोई सुरक्षित रहे। सर, क्या आप चाहते हैं कि इसका इलाज मिले? उनकी तादाद को बढ़ाया जा सकता है। हमारे पास ये नया आविष्कार है। मुझे हॉफमैन को शांत करने में खुशी मिलेगी। वो बस अपना काम कर रहा है, वो सिर्फ समझना चाहता है, उनका वर्ताव समझना चाहता है। मुझे ये देखना है कि उसे शिकार मिलता है या नहीं। उसकी इस छोटी जानकारी से हमें एक सुनहरा मौका मिल सकता है। हमें जो चाहिए वो मिल सकता है, जैसा मैंने कहा है कि साथ देना है। मैं मेजर हॉफमैन सेनेट। ये सब क्या है? मेजर हॉफमैन, मैक्स स्टीवंस, डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कस्टम्स एंड द सिक्योरिटी ऑफ JFK। प्लीज आप मेरे साथ आइए। इस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, इसलिए सिक्योरिटी कैमरे की जानकारी बेकार है। लेकिन मेरे पास कुछ बेहतर है। कुछ चीजें यहां बनाई जाती हैं सिर्फ यहां के लिए। हमने इसे सबसे पहले खरीदा था।
खुद ही देख लो। वाह, अब इसे देखो, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये सब कुछ दिख रहा है, सारी जानकारी, पूरा तफसील। ये सब हमले के पहले हुआ था, 4.5 मिनट पहले हुआ था। बदनसीबी से यह अगला वाला है। इस सिस्टम की वजह से हमें फोटो 5 मिनट पर मिलती है, और जब तक उसने ये लिया उससे पहले वो सब शुरू हो गया था। पूरी जानकारी है, क्या तुम पहले वाला फिर से दिखा सकते हो? इसे जानते हो? हाँ, ये वही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। इसका कैमरा बचने की कोई संभावना है? मजाक कर रहे हो? ये प्रोफेशनल कैमरा जैपनीज इंजीनियरिंग का नमूना है। ये जल्दी टूटता नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है। तुम्हारे पास है? हाँ, मेरे पास है। यह एक बहुत बढ़िया कैमरा है। इस कैमरे का रेजोल्यूशन आम कैमरे से 10,000 गुना ज्यादा है, इसलिए इस पर बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लोग जाने से पहले कितनी सारी चीजें पीछे छोड़ देते हैं। बहुत कीमती होगा। हम इसे यहाँ जमा करते हैं, यहीं पर वो महत्वपूर्ण चीजें रखी है। देखते हैं, फोटोग्राफी। हाँ, मिल गया, बिल्कुल सही सलामत है। थैंक्स। इसे अच्छे से देखो। मैंने देख लिया। तुम्हें यह मिशन पूरा करना है। मैं ये पूरा करूंगा, पर तुम अपनी बात पर कायम रहना। बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे परिवार को कैंप से हटाकर सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा। जरा इसे देखो। देखा इसे? जेफ के से 1 दिन पहले, ये से पहले हुआ है। देखो, यही तो वो मुझसे कहना चाहती थी। उसके एयरपोर्ट पहुंचने से पहले उसे काट लिया गया था। जनरल, हॉफमन बोल रहा हूं। मुझे पेशेंट जीरो की जानकारी मिल गई है। उसका नाम पोना वोट्रेस है। काम पर जाने का वक्त हो गया। गिरा दो। ऐसा लग रहा है कि वो कैनेडियन जाति का है। और तकलीफ नहीं होगी, तुम सिर्फ शांत हो जाओ। मैं इसे रख रहा हूं, तुम अब भी हमारी ही तरह हो। यू अंडरस्टैंड दैट?
गुड, हम इसे काबू में ला सकते हैं। ओके ओके ओके, तुम्हें शांत रहना होगा। रुक जाओ, जनरल हॉफमैन अभी भी जिंदा है। आप मेरी एक मदद कीजिए, डोना वोटरेज की सारी जानकारी का आप पता लगा लीजिए, वो कहां से आई थी, वो कहां गई थी, तो हमें संक्रमित जगह का पता चल जाएगा। तुम ढूंढ क्या रहे हो? कुछ खास नहीं, हमें एक मजबूत सबूत चाहिए जिससे ये पता चले कि उसे यहाँ आने से पहले काटा गया था और तब तक कोई भी संक्रमित नहीं था। सबूत मिल जाएगी। थैंक यू, वेलकम। हाँ, वो एक काला भेड़िया है, बहुत ही दुर्लभ। नॉर्थ अमेरिका में यह आसानी से दिखता है। यहाँ के कुत्तों का भेड़ियों के साथ समागम किया जाता है। वो कनाडा गई थी। आप हॉफमैन के साथ बात कर रही हैं? ओके, तो हमारे पास वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। एकदम सही, वो कनाडा गई हुई थी, वो भेड़ियों के फोटोज ले रही थी। क्या वो उनके बहुत करीब गई थी? हो सकता है, वो वहाँ से प्लेन पकड़ती है, फिर न्यूयॉर्क आती है और तब तक पूरे एयरपोर्ट की बैंड बज जाती है। मैंने न्यूमिच पर अपलोड कर दिया है, जो मेन फ्रेम का एक सिस्टम है। अगर मैं सही हूँ तो वो एक लड़की होनी चाहिए। जनरल, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। वहाँ पर तुम्हारा काम खत्म हुआ। रुकिए रुकिए, क्या? तुम्हें वहाँ से निकलना होगा। अगर तुम वर्ड्रेस के बारे में सही हो तो प्रेसिडेंट को ये पहले बताना पड़ेगा। जनरल सुनिए, हमें व्हाइट हाउस में फोन करके ये बताना होगा कि हॉफमैन पर भरोसा नहीं कर सकते। मिस्टर टेलर। यस सर। जल्दी से लाइन में लाओ, मुझे सेक्रेटरी वुड से बात करनी है। ठीक है सर। इस लड़की को ढूंढो। यस सर। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो लोग हमें कभी जाने नहीं देंगे। वो हम पर संशोधन करना चाहते हैं कि हम भेड़िए कैसे बनते हैं। वो हमें यहां से ले जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। वो हमारा मिलन करवाना चाहते हैं। ये बहुत रिस्की काम है जनरल। जब रिस्क लोगे तभी तो इनाम मिल सकता है सेक्रेटरी। हमारा सैन्य बल सबसे ज्यादा विकसित होगा, हमारी सैन्य शक्ति का कोई मुकाबला नहीं होगा। सालों तक हमारी सिक्योरिटी कोई तोड़ नहीं पाएगा। इसका जो नतीजा है वो बहुत असरदार होगा। जल्दी ही सबको पता चल जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो। अगर ये हमारी नियंत्रण से बाहर हो गए तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारी जिंदगी बदतर हो जाएगी। हम पूरी एहतियात से काम ले रहे हैं। इसके बारे में मैं बात करके देखता हूं। डॉक्टर जार्डन आपकी हर तरह से मदद करेंगी, लेकिन मेजर हॉफमैन जिंदा नहीं रह सकता। क्या हमें तस्वीर मिल गई है? यस सर, मैं अभी आपको दिखाता हूं। क्या इसे कहीं देखा है? बहुत अच्छी तरह से ढूंढ रहे हो। उस तरफ, इधर। शिकार मिल गया। जल्दी से जल्दी उसे पकड़ो, मुझे वो जिंदा चाहिए। Thank you.
चुकी है। मैं चाहता हूं कि सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, जल्दी। हमें वो ऊपर से दिखाई दे रही है, वो सामने ही है, सीधे चलते रहो। अब दोनों ओर से उसे घेरते हैं, हमें उसे रास्ते में रोकना होगा। और तेज वो देखो, वो सामने है। पर चाल डालो, इधर गोली चलाओ। जनरल पेशेंट जीरो डोना वॉड्रेस, 4 हफ्ता पहले उसने एक चार्टर्ड प्लेन किराए पर लिया और वो वहां से आईएन नेशनल पार्क में गई थी और 4 दिन पहले ही वो येलो लाइन से लौटी थी। उसने टोरंटो में पूरा बॉडी स्कैन पास किया था कैनेडियन एयरलाइन प्लेन 323 पकड़ने से पहले, फिर जेएफके ने लैंड किया था सुबह 8:15 पे। तुम्हें उसके बॉडी स्कैन में कुछ मिला या नहीं? नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि शायद कुछ और जानकारी मिल जाए। उसके शरीर में पूरा परिवर्तन आ गया था, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसका डीएनए, सब कुछ, जब वो एक भेड़िए में परिवर्तित हो रही थी। और शायद उसके बाद उसने अपने आसपास के लोगों पर हमला कर दिया। करीब 23 मिनट के अंदर 236 लोग इस वायरस की वजह से संक्रमित हुए हैं। जो भी हमें यहाँ दिख रहा है उससे लगता है कि वायरस जो भी है वो अनुकरण कर रहा है और खुद को दूसरे से अच्छी तरह जोड़ रहा है। शायद वो इस तरह से होता होगा, अगर वो भेड़िया इस वायरस को किसी इंसान में डाल देता है तो इसकी जानकारी हमें अच्छी तरह से मिलेगी। आज सुबह हमने जो निरीक्षण किया उससे और उसके ब्लड सेल से हमें ये जानकारी मिलती है। इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है? नहीं सर। हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इस वक्त हमें इसकी बहुत जरूरत है सर, संशोधन के लिए, उसे समझने के लिए। ये तुम क्या कर रहे हो? इसे खत्म कर रहा हूं। क्या? नहीं जनरल, ये हमारा काम नहीं। बहुत बड़ा खतरा है। ओ, बिल्कुल सही कहा आप मैन, तुम इसके लिए हमें बहुत तकलीफ दे रहे हो। शायद तुम इसे जिंदा रखना चाहो ताकि ये वायरस यहाँ से बाहर जाए, जैसा तुमने साइंटिस्ट दोस्तों के साथ किया था। ये अलग है, ये एक साधारण सिविलियन है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इससे दूर रहो, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, यूएस के प्रेसिडेंट के बारे में क्या ख्याल है? तुम खुद अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हो मेजर। जो संक्रमित है उसकी बात कभी भी व्हाइट हाउस में नहीं सुनी जाएगी। मैंने उनसे कहा कि तुम संक्रमित हो गए हो जब तुम एयरपोर्ट पर गए थे। तुम्हें तकलीफ क्या है? जनरल प्लीज मेरी बात सुनिए, आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वो ही हमारा एक जरिया है भेड़ियों की दुनिया में। मेरा यकीन कीजिए, उसे जिंदा रखना जरूरी है। हेलो हेलो जनरल, मॉर्निंग। क्या बात है? बाहर मैक्स स्टीवन आए हैं जेएफके से, उनको मेजर हॉफमैन से बात करनी है। तुम इस आदमी को जानते हो? हाँ जानता हूँ। तो उसे अंदर ले आओ। ये सही कह रहा है, हम यहाँ कैदियों की तरह बंद है। हम लोगों के साथ वो कैदियों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, हमारी मदद भी कोई नहीं करेगा। जो कुछ भी करना है हमें ही करना होगा। हम लोग उनसे संख्या में बहुत ज्यादा हैं, हमें जरूर कुछ करना चाहिए।
क्या बात है? हाँ, वो ये वही है। अब मेजर हॉफमैन, मैं कुछ जानकारी ढूंढी रहा था मिस वॉड्रेस के बारे में, और मुझे कुछ बढ़िया मिला है। मेरे पास वॉड्रेस के पूरे 4 बॉडी स्कैन्स हैं जो वहां पर थे। मैं लू? हाँ। इसके अंदर उसका डीएनए मौजूद है। दांत? उस भेड़िए का दांत, शायद इसमें एंटीवायरस हो। उसकी सांसों को बढ़ाना कोई होगा। जरूरत नहीं। तुम पागल हो क्या? दवा मिलने से खतरा और बढ़ेगा। इन्हें हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम इसके बारे में सोच सकते हो? डीएनए छुपाने की क्षमता, इस जानवर की ताकत आदमी की ताकत से कई गुना बढ़ जाएगी। हमें इसका इलाज चाहिए, लेकिन वो सिर्फ हमारे पास हो ताकि हम इसका अपने हिसाब से फायदा उठा सकें। बैठ जाइए मिस्टर स्टीवंस, मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। तुम उन जानवरों का अपने हथियारों की तरह प्रयोग करोगे और सारी दुनिया में ये वायरस फैला दोगे। जिस पर भी हमला होगा वो वायरस अपने साथ ले जाएगा। हर बार उनके काटे जाने के बाद मुंह से जहर निकलेगा और वो उनके अंदर जहर भर देंगे और हमारे भेड़िए शक्तिशाली हो जाएंगे। इससे वो और खतरनाक हो जाएंगे। डॉक्टर, इसे मरने दो। तुम चुप रहो। वो हमसे बात करेगी। हमें इनके संबंध में जानकारी चाहिए। हम दांत के बारे में गलत हो सकते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो एंटीबॉडीज उसके खून के साथ मिल गई हो। जनरल प्लीज मेरी बात सुनो, वो भेड़ियों की दुनिया के साथ हमारा एकमात्र जरिया है। वो हमें बता सकती है कि उसे कहाँ काटा गया था। अगर तुम उसे मार दोगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, करो। सांसें नहीं ले रही है, जल्दी से मेलोग्राफी का इंजेक्शन दे दो। शॉक देकर इसकी धड़कन को शुरू करना होगा। दूर रहो। फिर से और एक बार। धड़कन शुरू हो गई। दांत निकालो अभी। मुझे उसके हाथ पर काटना होगा और वो दांत उसके हाथ से निकालना होगा। तो जल्दी करो। वो दे दो। दिखाया।
जल्दी पता करो कि वो जानवर कहाँ पहुँचे हैं। मेरे मेरे ये एक इमरजेंसी है और मैं टेलर बोल रहा हूँ। वो लोग बहुत जल्दी मैनहट्टन शहर के बीचों बीच पहुँचेंगे और वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खूंखार जानवर हैं। ये कितना गंभीर है बताओ। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत है। तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें आपको एक सेफ जगह पे ले जाना होगा। हमने उन पर अपना काबू खो दिया है। क्या हुआ? भेड़िए भाग गए हैं सर। वो लोग मैनहट्टन तक पहुंच गए हैं सर। नहीं सर, ये सच नहीं है। उसने आपको गुमराह किया है ताकि हम लोग उसके रास्ते में ना आए और आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। सुनिए सर, उसने सारे आदमियों को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। देखिए मिस्टर प्रेसिडेंट, नहीं सर जॉन, कैसे बात मानो, मेरे साथ यहाँ और दो लोग हैं। उसने प्रेसिडेंट पर भी जादू कर लिया है। हाँ, पूरा न्यूयॉर्क शहर खतरे में है। हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते। ओके जॉन, इधर आओ, मैं तुम्हें ये बांध रही हूँ ताकि तुम्हारी धड़कन की तेजी पता चलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे 150 के ऊपर मत जाने देना। हमें इस बारे में उनको पूरी सफाई देनी होगी। ओके, हम यहाँ जितनी देर करेंगे बाहर निकलने में उतनी मुश्किल होगी, इसलिए जल्द से जल्द इस आइलैंड से बाहर निकलना है। चलो चलते हैं। कम ऑन, चुप जाओ, जल्दी चलो। क्यों गोलियां चला रहे? तुम्हारे हाथ से हमें इसका इलाज मिला है। अगर ये जनरल के हाथ लग गया तो वो किसी को पता नहीं चलने देगा कि ये हमारे पास था। हम लोग यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल सकते, समझ गए ना? नीचे झुक जाओ और चलो। चलो। हमारी यूनिट्स जो जंगल में हैं, उनको आराम करने को कहो। मेजर हॉफमैन और डॉक्टर गोर्डन वो इलाज करेंगे। यस मिस्टर प्रेसिडेंट। जनरल, वो लोग मैनहट्टन से गुजरकर सेंट्रल पार्क की ओर जा रहे हैं। हमने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से कांटेक्ट किया, उन्होंने सारे ब्रिजेस को उड़ाने के लिए कहा है और ये जल्दी होगा। एक बात और बताओ, ट्रैकिंग सिस्टम चल रहे हैं या नहीं? हम लोग GPS सिग्नल लोड कर रहे हैं, जब वो चालू हो जाएगा तो आपको इतला कर देंगे। इसमें से बिजली बह रही है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा। मैं ये सब होने नहीं दे सकता। ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने पहले ही बता दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर लोगों की जान जा रही है, इस चीज को मेरे हाथ से निकालो। ठीक है। तुम्हें कोई सुरक्षित जगह पता है? शहर में पहुँचने के बाद मेरे पास सब कुछ होगा, सिर्फ हमें वहाँ पहुँचना है। वहां जाना है। कैसे बिजली बह रही है? थोड़ा पीछे हट जाओ। अब क्या करें? दूसरा रास्ता लेना होगा। यहाँ पर कोई नहीं है। रिलैक्स मेजर, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा जब तक तुम उन तारों को नहीं छूओगी। ओह माय गॉड, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। तुम्हें लगता है कि तुम ठीक रहोगी? मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। ग्रेट, देखा, फोटोग्राफर्स भी स्पंजी जंप लगा सकते हैं। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, समझे? ये मुझसे नहीं होगा। आ!
उन लोगों को भागने मत देना। टेलर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के सारे गेट बंद कर दो अभी। यस सर, वहां की पावर इसी वक्त कट करो। तुम लोग ठीक हो? वो हमारा पीछा कर रहे हैं। सुनो, ये वेस्ट कोस्ट साइड की शिप है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। मैं तुम्हें रुकने का आदेश देता हूँ। उनके करीब ले चलो। नीचे झुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। रुको, रुक जाओ। Damn it! होल्ड करो मिस्टर प्रेसिडेंट। मैनहट्टन पूरा शहर वो भेड़ी आइलैंड के चारों ओर फैल रहे हैं। जो जेएफके में संक्रमित हुए हैं उन पर गैस का असर हो रहा है क्या? जेएफके के वायरस पर अब इसका कुछ भी असर नहीं होता है। मिस्टर प्रेसिडेंट, वो सेंट्रल पार्क की तरफ बढ़ रहे हैं और जल्दी ही पहुंच जाएंगे। हमें ये करना होगा, इसका अधिकार हमें मिल चुका है। मुझे जानकारी दो। हमने उसे खो दिया सर, एलिजाबेथ आइलैंड के वेस्ट में। चिंता मत करो, वो मुझे मिल गई है, मैं पहुंच रहा हूं। सर, हमें इसके बारे में प्रेसिडेंट को बताना होगा। अभी इसका वक्त नहीं है, इसे मोड़ लो। झाड़ियों की ओर से वो सीधे हमारी तरफ आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी पहुंचने में हमें कितना वक्त लगेगा? कम से कम 15 मिनट लगेंगे। हमें किसी भी हालत में वहां पहुंचना होगा। मुझे तुमसे सवाल करना है, उस भेड़िये ने तुम्हें क्यों काटा? मैंने तुम्हारा फोटो काले भेड़िये के साथ देखा है, उसने तुम्हें काटा क्यों? उसे लगा कि मैं उसके लिए खतरा हूँ, इसलिए उसने तुम्हें काटा। अगर मैं चाहती तो मुझे कोई मिल सकता था। हाँ, तुम्हें तो कोई भी मिल सकता था, क्योंकि अब तुम भी उनमें से एक हो। सही कहा ना? मुझे लगता है कि तुम सही थी। बाहर निकलो। क्या बात है भाई? पीछे हटो। वो लोग हाईवे पर हैं, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल हमारे नीचे हैं। उन्हें मारने की परमिशन दीजिए। तुम भूल रहे हो, तुम्हें परमिशन मिल चुकी है।
पश्चिम की तरफ 37 हेलीक्विट ब्रॉडवे। ओके ब्रायन, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने कहा था कि हमारे जवान भेड़ियों को शहर की सीमा के बाहर जाने नहीं देंगे, तो ये सब क्या हो रहा है? जेएफके के हमले के बाद प्रेसिडेंट ने फैसला लिया है कि अगर ये वायरस आबादी वाले शहर में फैल गया तो उनके पास बचाव के दो ही रास्ते हैं, तो उन्होंने खत्म करने का आदेश दे दिया है। किस लिए? ये सच नहीं हो सकता। संभल कर चलो चलो चलो। उन्होंने हमें कैसे ढूंढा? उस चिप से। कौन सी चिप? जो मैंने तुम्हारे हाथ में डाली थी। हमें रास्ता बदलना होगा। चलो जल्दी चलो। संभल कर बैठ जाओ। Oh my God! Oh my God! हट गया। जीप में डालो, डॉक्टर को भी। कम इन जनरल। बोलो कर्नल। हमें लड़की मिल गई है और डॉक्टर भी, पर हॉफमैन मारा गया है। उन्हें अड्डे पर ले आओ। यस सर। जो ना आना चाहें उन्हें मुक्त कर दो, अब शहर सुरक्षित नहीं है। भेड़िये साउथ मैनहट्टन तक पहुंच चुके हैं सर। कुछ मिनटों के अंदर ही वो आइलैंड को खाली कर सकते हैं। 1980 में ऐसा कुछ हुआ था जिसमें 19 मिलियन लोग मारे गए थे सिर्फ एक साल के अंदर सर। अब हम इस वायरस से नहीं लड़ सकते सर। 72 घंटों के अंदर ये पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को अपनी गिरफ्त में ले लेगा और 2 हफ्तों में पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तुम दुनिया के सबसे बड़े शहरों की बात कर रहे हो। कम से कम 2 मिलियन लोग मारे जाएंगे। वहां की आबादी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सर, हमें फैसला करना होगा। ये वायरस पूरे इंसानियत को खत्म कर सकता है। इलाज के बजाय खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। सर, यह ऑपरेशन गोपनीय तरीके से किया जाएगा। यह शहर के सारे ब्रिजेस और सुरंगें हैं, हम ये सब बंद करने वाले हैं। इससे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। थोड़े बहुत धमाके करने के बाद पूरा शहर साफ हो जाएगा। सर, इस काम के लिए यही सही वक्त है। ईश्वर मैं नहीं जानता कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को शांति मिले, मेरे बहादुर अमेरिकन्स को शांति मिले। ये सब कुछ अब आपके हाथ में है। ये मेरा सबसे बड़ा फैसला है। शुरू करो।
पेशेंट जीरो, तुमने हमें बहुत भगाया, अब वो दांत निकालना होगा। अब से मेरा खुद का एक मिशन होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि तुम्हारे सारे गुनाहों की सजा दिला दूं। मेरा इस्तेमाल, टॉर्चर, मर्डर, इस गुनाह के लिए लोग तुम्हें याद रखेंगे। तुम एक खूनी दरिंदे हो। मैं ये सब अपने देश के लिए कर रहा हूँ। मुझे अपने देश की रक्षा करनी है। सुरक्षा करने के लिए कोई देश ही नहीं बचेगा। अगर वो सब इस शहर की सीमा से निकल गए तो इससे संक्रमण हर जगह पर फैल जाएगा, फिर उसे कोई खत्म नहीं कर पाएगा। वो शहर से बाहर नहीं जा पाएंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं डॉक्टर। सब ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूं, मुझे तुम पे भरोसा है। मुझे दे दो। मुझे ये बंद करना है। मुझे दो एंटीबायोटिक। तुम्हारे पास 5 मिनट है। पूरा शहर उनके कब्जे में आ गया है। भेड़िए ब्रुकलिन ब्रिज की तरफ से बढ़ रहे हैं। हो जाए, मुझे पता है तुम्हारा कसूर नहीं है। वायरस पर दवाई का असर कितनी देर में होगा? ये वायरस के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी इसे ग्रहण करता है। इससे पहले हमने ऐसा कभी नहीं किया है। ठीक हो? मैंने कहा दवा दो। अब हमारे पास इलाज है।
सिक्योरिटी, बाहर क्या हो रहा है? जल्दी चलो, इन्हें यहीं रहने दो। यहां सब तबाह हो गया है सर। हॉफमैन, डोना, डोना तुम उठ सकती हो क्या? मुझे नहीं पता कि हम लोग यहां से बाहर कैसे निकलेंगे। ब्रायन, तुम ठीक तो हो? थैंक गॉड, ठीक हो। मुझे वो मिल गया है ब्रायन, ये काम करता है। चलो चलते हैं, हमें यहां से निकलना होगा। तुम दांत लेकर बाहर नहीं जा सकते हॉफमैन। बाहर आने के लिए तुम्हारे पास 10 सेकंड है, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसा करोगे तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है मॉर्निंग, ठीक है। तुम्हें दांत चाहिए तो वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन औरतों को यहां से जाने दो। पहले हमें दांत दो। मेरे पास है। ठीक है, जल्दी चलो, यहां से निकलना है। यहां से अभी निकल रहे हैं। हम लोग यहां से निकल चुके हैं और निशाना आने वाले 2 मिनट में हम टारगेट करेंगे। हमें प्लेन लेकर यहां से जल्द निकलना होगा। तुम्हें उड़ाना आता है? बहुत आता है, लेकिन मैं उसे उड़ा लूंगा। बैठ जा और टाइट पकड़ा। लग चुकी है।
क्रैश हो रहे हैं। तैयारी पूरी हो गई है। हैरिस कमांड, ये स्टालिन वन है, मैं गिराने जा रहा हूं बॉम्ब वन। 3.6 मिनट। सिफारिश नहीं की, वो तुम्हारी रिपोर्ट देख सकते हैं। टारगेट हमारे सामने है और हम निशाना साध रहे हैं। 30 सेकंड में हम उसे उड़ाने वाले हैं। मैं निशाना साध रहा हूं। निशाना सही लगा है। स्टालिन वन का कमांड है और 2 हथियार साथ में छोड़ रहे हैं। जिंदगी चलती रहती है, हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है। नहीं, मुझे लगता है मेरे लिए यही सही है। डॉन, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे। उन सबको पता चले कि ये सबको पता चलना चाहिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। मुझे माफ कर देना टोना। हमें जाना होगा। हम हथियार छोड़ रहे हैं, चलो फायर। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? वो सिर्फ ब्रिज उड़ा रहे हैं। हम अब भी शहर को बचा सकते हैं, उन्हें बताना होगा कि हमारे पास इलाज है। हमें अभी जाना होगा।
हम सारे रास्ते उड़ा रहे हैं। हम ये टारगेट छोड़ने वाले हैं। मैंने बम तैयार कर लिया है और जा रहा हूं। मेरे पास दांत है, जल्दी चलते हैं। एक और ब्रिज उड़ाने जा रहा हूं। फायर। आयरिस कमांड, ये स्टाइलिन वन है, मैं हथियार छोड़ रहा हूं। नाइन टू, हथियार छोड़ दिया है। नीचे ही रहो डॉक्टर। हेलो नॉर्थ कॉम, कम इन। अपनी पहचान बताओ। मैं मेजर ब्रायन हॉफमैन बोल रहा हूँ। मैं वुड्स आइलैंड से बोल रहा हूँ। मेरे पास यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के लिए खास खबर है। मैं रिपीट करता हूँ, मेरे पास प्रेसिडेंट के लिए कुछ जरूरी खबर है। हमें इस मिशन को रोकना होगा। छोड़ने के लिए 60 सेकंड्स बचे हैं। मेरे पास इस वायरस का इलाज है। हमें इसी वक्त बॉम्ब गिराना रोकना होगा। रास्ते से हटाओ, बाजू हटाओ, मेरा रास्ता छोड़ो। सर, कि हमें अभी मिला है, इमरजेंसी एक्शन मैसेज है, नॉर्थ से हॉफमैन ने भेजा है। तुम सच कह रहे हो? हाँ। छोड़ दो। छोड़ने के लिए 30 सेकंड्स हैं। अपनी पहचान बताओ। ये हॉफमैन है सर। हमारे पास इस वायरस का इलाज है सर। इस वक्त तुम कहाँ पर हो? मैं ऑरेंज क्रे ब्रिज पर हूँ। हमारे पास वायरस का इलाज है। ओवर। 20, 19, 18। शायद तुम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं कि मैं संक्रमण रोकने के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता हूँ। प्रेसिडेंट प्लीज, हमने ये एंटीबॉडी निकाली है K92 स्ट्रेजा 110 जोन से। हम नहीं बचेंगे तो तुम्हें कोड भी नहीं मिलेगा। 5 सेकंड बचे। 3, 2, 1। रुको, मैं उसे छोड़ चुका हूँ। वो अभी 13 सेकंड्स में फटने वाला है। सब लोग बैक पर वापस आ जाओ। स्पीड टैप। कमांड एलिजाबेथ, सारे ब्रिज सुरक्षित हैं सिवाय स्टेलर ब्रिज के। हमने रोक दिया मिस्टर प्रेसिडेंट, कोई संक्रमित इस आइलैंड तक नहीं पहुंचा। कितना नुकसान हुआ? ईस्टर्न बॉडी आइलैंड पर हादसा हुआ था, वो सारी जगह खाली करवा दी सर। वहां छोटी मोटी वारदातें हुई है सर। हॉफमैन और गॉर्डन कहाँ है? आज हम लोग डेट पर हैं।